मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। ऐसा कहना है महान व्यक्ति रतन टाटा का। रतन टाटा भारत के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। रतन टाटा अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां किसी आम आदमी को पहुंचना इतना आसान नहीं है। असफलताओं से सीखना, लोगों की बातों पर ध्यान न देना, अपमान का बदला सफलता से लेना, सिर्फ यही बातें रतन टाटा को सबसे अलग बनाती हैं। रतन टाटा को तो हर कोई जानता होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं और उनकी माताजी का नाम सोनू था। इसके अलावा उनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम जिमी है। जब रतन टाटा 10 साल के थे, जब ही उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे, उसके बाद उनका पालन पोषण नवजभाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने हॉवर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत वापस आने के बाद रतन टाटा ने स्टील शॉप पर काम किया जो टाटा ग्रुप के अंडर में आती थी। ऐसे ही काम करते करते रतन टाटा और समूह ग्रुप के साथ जुड़ते गए। 1971 में रतन जी ने नेल्को कंपनी में डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए और सन 1981 में रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना रतन टाटा जी के दादाजी जमशेद जी ने की थी। रतन टाटा के समय टाटा इंडस्ट्री ने बहुत सफलता प्राप्त की। सन 1998 में पहली बार रतन टाटा के टाटा मोटर्स ने एक भारतीय कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था, जो कि बाजार में फेल हो गई थी। इस कार की वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जा रही थी। उसके कुछ कर्मचारियों ने टाटा मोटर्स को बेचने का सुझाव दिया और रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के पास चले गए। फोर्ड कंपनी के मालिक विलियम फोर्ड ने टाटा की बहुत बेइज्जती की और कहा, जब आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप कार क्यों बनाते हो। यह बात रतन टाटा के दिल पर लग गई और वह बिना कंपनी बेचे भारत वापस आ गए और दिल और जान लगाकर टाटा मोटर्स को कामयाब बनाया। फिर कुछ सालों बाद फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी और विल फोर्ड ने अपनी लग्जरियस कार लैंड रोवर और जैगुआर को बेचने का प्रस्ताव टाटा के सामने रखा और कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इससे पता चलता है रतन टाटा अपमान का बदला सफलता से लेते हैं। इसके बाद रतन टाटा ने एक छोटी कार नैनो, जो भारत में बनी है, मार्केट में उतारी, जो भारत के इतिहास में सबसे सस्ती कार थी। आज के टाइम में टाटा कंपनी हर एक छोटी मोटी चीज़ बनाती है। टाटा ग्रुप के अंदर 110 कंपनी आती हैं, जिसमें टाटा चाय से लेकर 5-स्टार होटल तक, कार से लेकर एरोप्लेन तक, सुई से लेकर स्टील तक सब बनाते हैं। रतन टाटा का बिजनेस भारत में ही नहीं बल्कि अन्य विदेशों में भी स्थापित है। रतन टाटा को 3 बार प्यार भी हुआ लेकिन कभी शादी नहीं की। रतन टाटा हर महीने 90 से 150 करोड़ रुपए कमाते हैं, जिसमें से वह अपनी कमाई 70% हिस्सा चैरिटी फाउंडेशन में दान कर देते हैं। दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही रतन टाटा खुश रहते हैं। इसी के कारण रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है और उन्हें बहुत से अवार्ड भी मिले हैं। रतन टाटा के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।